गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीरू सरपंच ने कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बीरू सरपंच को भारी जनसमर्थन मिलता हुआ नजर आया। वहीं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बीरू सरपंच ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के शासन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बीते 20 सालों में ना तो शिक्षा ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। बीस साल के अंदर देखोगे आपने, एक बारिश हो जाए तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है, इतना उन्होंने काम किया है। सीवर सारे और खुले चल रहे हैं, इसी में भी देख लो, बारिश हो बिना बारिश रोड सारी टूटी पड़ी है। मेट्रो 10 साल में एक कदम नहीं चली। हॉस्पिटल के नाम पे कुछ नहीं है, कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, मेडिकल कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है। पानी की समस्या जो भी तो बनी हुई आज तक खत्म नहीं हुई, तो काम करने की जो जरूरत है, ट्रांसपोर्ट देखोगे वो ऐसे कैसे पड़ा है, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं। अपनी किसी के पास पर्सनल गाड़ी हटवा जा सकता, दरवाजी नहीं जा सकता। गेड़ की टोल को देखोगे, उसने कितने हजार करोड़ रुपए कमा लिए, मतलब ये एक लूट है, लूट के अंदर भ्रष्टाचार ही मिलकर ना इसको कर रहे हैं, नहीं तो इसका टाइम पूरा बहुत साल पहले हो चुका है। जो जीएमडीआर है अपना, जो नाला बनाया भाजपा वाला ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अगर भाई हम इसमें पानी निकालेंगे, वो उन्होंने ढंग से कुछ काम करा नहीं, नहीं तो आज जलमग्न नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसलिए आम आदमी पार्टी आई है। अब भ्रष्टाचार खत्म करके ना गुड़गांव का विकास कराने का काम। तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बीरू सरपंच लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो बीरू सरपंच ने यहां पर बादशाहपुर में कई लोगों से मुलाकात भी की, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए बीरू सरपंच। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है, एक बारिश में ही सरकार के तमाम दावों की पोल खुल जाती है। तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हैं बीरू सरपंच और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कई क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे।